today's session, we are going to talk about a very important topic. Should we fix our children's timetable or not? And this platform is created to generate light and not heat during the discussion. It goes without saying that young kids need adult supervision to make their schedule. But the main question is, when they grow up to be young adolescents, will they understand the responsibility of not only making a schedule for themselves, but also sticking to it? क्या हम टाइम टेबल हमारे बच्चों पे इम्पोज कर सकते हैं? एज अ पेरेंट मेरा जवाब होगा हाँ, एज अ किड, एज अ चाइल्ड मेरा जवाब होगा ना. बट इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू मेक्स अ डिफरेंस. आप टॉपर बने, टाइम टेबल फॉलो किया था? सो मोर और लेस करा था, बट किसी भी टाइम टेबल को 100% फॉलो करना इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. At least for me. और ये टाइम टेबल किसने बनाया था? आपने खुद बनाया था अपने लिए कि आपके पेरेंट्स के, कि आपके प्रोफेसर्स ने, कि आपके टीचर्स के सर्स ने बनाया था? हमारे माननीय सुनील सर ने बनाया था. Okay, all right, same question. सुयश या कपिल? Starting में you can follow it, but after a certain point उसके बाद मुश्किल हो जाता है काफी. सर आप एग्री करेंगे एंड के मोमेंट्स में, एक महीने में बच्चे की सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो सर आपने टाइम टेबल बनाया मगर फ्लेक्सीबल किया आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हो. जी 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 बिल्कुल सर. जैसे बीच में सुयश हिंदी में बिल्कुल अच्छा नहीं था और इसको एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है, तो मैंने इसका एसएसटी का टाइम टेबल में थोड़ा ज्यादा कर दिया. सो ये तीन चीज बहुत जरूरी है कि यू नो हम अपने बच्चों पे टाइम टेबल ना थोपे, हम बना के दे, बट अल्टीमेटली उनको डिसीजन लेने दे कि उनको कितना करना है. प्रीता राइटली सेड राइट कि कितने बजे करना है वो जरूरी नहीं है, कितना करना है वो जरूरी है. मेरे को लगता है टाइम टेबल का जो सही मीनिंग है वो है जब मन करे पढ़ने का. जब आपका मन नहीं है तो फॉर एग्जांपल किताब खोल के बैठना इज नॉट जस्ट अ सॉल्यूशन, यू नो. सर ये मैंने इसकी परफॉर्मेंस देख के बनाया था ये. शुरू सर ये पढ़ता ही नहीं था तो सर मैंने इसको शुरू में थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, इसको स्ट्रिक्टनेस की, और इसको साइंस और मैथ्स मजे की तरह पढ़ाया. So, और सर इसके 10th में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं भुवन ढिल्लों के. हाउ वुड यू मेक श्योर कि आप वो चीज कहीं बैकलॉग में ना चली जाए, आप भूल ना जाए उस चीज को करना? बट मैम आई फील कि लाइक पढ़ाई इज एनी टाइम मोर इम्पोर्टेंट देन यू नो डेली लाइफ वर्क्स भी हमारे को करने पड़ते हैं, बट वो हम खेलने का टाइम है, क्या आप वो याद दिलाओगे कि ये तुम्हारा खेलने का टाइम था और अब तुम जाकर खेलो? मैं पर्सनली याद जरूर दिलाऊंगी. यहाँ पर एक बायस हो जाता है. पेरेंट्स पढ़ाई के लिए तो कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, बट अदर टाइम के लिए तो वो नहीं कहते. दैट्स बायस. ये बायसनेस नहीं है, ये केयरिंग है, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बायसनेस समझते हैं. आई लव दिस स्टेटमेंट कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसका टाइम टेबल शुरू हो जाता है, जब तक वो मरता है तब तक उसका टाइम टेबल रहेगा. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन. Kids, take care, stay safe, stay healthy.